मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में हुक्का बार बंद करने का कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी हुक्का पिलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका विधेयक 12 जुलाई 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। अब इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे अब यह कानून प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। कुछ मामलों में हुक्का बार आपराधिक गतिविधियों का केंद्र भी पाया गया है, इसलिए हुक्का बार में प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। नए कानून के तहत अब मध्य प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर 3 वर्ष का कारावास हो सकता है और इसके साथ ही आपको 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश का पालन करने के उद्देश्य से जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ADGP चंचल शेखर ने की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जमानत पर छूटने के बाद अपराध करने वालों की जमानत रद्द करा दी जाए।